हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फ्रेजेस और वर्ड्स की आउटलाइन सर कैलाश चंद्र मैगजीन से। ट्रांसक्रिप्शन नंबर है 8 और पार्ट होगा 1। और पहले हम करेंगे फ्रेजेस, उसके बाद हम करेंगे वर्ड्स। मैं ये कहना चाहूँगा, हो सकता है आप करते करते थक जाते हों या बोर हो जाते हों, तो जब भी आप ऐसा देखें कि आप थक गए हैं तो आप कुछ और शुरू कर दें, इसको रोक कर। मे बी आप डिक्टेशन लिख लें, फिर इसको दोबारा देख लें, या जब भी आप ठीक समझे। क्योंकि हमने एक चीज जब शुरू की है ये स्किल, तो मोस्ट प्रोबेबली हमने बहुत लंबे समय तक करनी है, और ये सभी के साथ ऑलमोस्ट होता है। और ये स्किल है, इसको जितना आप शार्प करते रहेंगे उतना आपके इंटरेस्ट में होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेजेस। सबसे पहले फर्स्ट इज इन कंक्लूजन। इन हम ऐसे लिखते हैं, कंक्लूजन जब हम इसके साथ लिख देंगे तो हमें कौन लगाने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है? इसको डिसजॉइंट करके एक तरह का आई वुड लाइक टू से, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इजी हो गया अब तो आपके लिए। आई वुड लाइक टू से इन रिगार्ड टू, इन रिगार्ड टू ऐसे होगा, टू द हो तो इसको नीचे लाना, नहीं तो नहीं लाना। टू अंडरस्टूड है इसमें। विद विच सिंपल ज्वाइनिंग है। आई हैव बीन, आई हैव बीन। सो फार, सो फार में सो ओ लगा दीजिए, अच्छा है। अकॉर्डिंग टू द सिंपल, नेक्स्ट इज बांग्लादेश, बी बी एन जी एल डी एस, बांग्लादेश। और इसके नीचे आपने ये पैरेलल टिक जरूर लगाने हैं, बांग्लादेश। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट हम ऐसे लिखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हम ऐसे लिखते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जब आएगा तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिलो द लाइन। विद रिगार्ड टू और द आएगा तो नीचे, नहीं तो नहीं। आई वुड सिंपल स्मॉल। अर्ज अपॉन, दिस इज अर्ज अपॉन द, द भी इसके साथ क्लियर दिखाइए आप, ताकि ट्रांसक्रिप्शन में आपको मुश्किल ना हो। ऑनरेबल मिनिस्टर, दिस इज ऑनरेबल मिनिस्टर, एसटीआर देना है। और प्रेफरेबली इसके नीचे आप पैरेलल टिक भी दीजिए, क्योंकि मिनिस्टर का एम कैपिटल होगा। ऑनरेबल मिनिस्टर। इनटू कंसीडरेशन, अब इनटू कंसीडरेशन क्या है? दिस इज इन टू कंसिडरेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इन टू कंसिडरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉट एवर यू आर एबल टू अडॉप्ट। इज डन, इज डन हमें पता है, इज यहां पर आएगा ऑन द लाइन, इज डन। जितना हम साफ लिखेंगे उतना आपको ट्रांसक्रिप्शन में आसानी होगी, स्मूथ होगा। देन नेक्स्ट इज वोकेशनल, दिस इज वोकेशन, एल और हमें तो एल, इसको वोकेशन ला के एल अपवर्ड ले जाना है। दिस इज वोकेशनल। नेक्स्ट इज हु हैव बीन, दिस इज ऑल्सो इजी एंड कॉमन। हु हैव बीन। वी फाइंड, वी करके एफ एन डी स्मॉल स्मॉल फाइंड, और वी फाउंड वैसे नॉर्मली वी फाउंड होगा नहीं, वी हैव फाउंड होगा बीच में, वी फाउंड भी आ सकता है, बट फाउंड में आउ लगाएंगे, फाइंड में आई लगाएंगे। सीम्स टू बी, सीम्स टू बी। वेरी स्मॉल, दिस इज वेरी, दिस इज स्मॉल।
बिफोर अस, बिफोर में बी डबल करेंगे एस, बिफोर अस, बाय द गवर्नमेंट, दिस इज बाय द गवर्नमेंट, जी से काटेंगे और नीचे आप पहला टिक दीजिए गवर्नमेंट के लिए, आपको इजी रहेगा। वेस्ट बंगाल, वेस्ट होता है ऐसे, वेस्ट बंगाल जब आता है तो वेस्ट बंगाल, बी एन जी एल, बाय वे ऑफ, बाय वे ऑफ, विद अ व्यू, विद अ व्यू में थ्रू द लाइन, विद अ व्यू, एट माई डिस्पोजल, एट माई डिस्पोजल, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट को हमेशा हम ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखा जाता है, लाइक दिस, दिस इज फर्स्ट थिंग, दिस इज फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ईयर जब आता है तो फर्स्ट ईयर हम ऐसे करते हैं, दिस इज फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज, इट इज डिफिकल्ट, सिंपल, डीएफ, इट इज डीएफ, असेसमेंट, सम सॉर्ट ऑफ, सम एस आर टी, हाफ हो जाएगा, एस आर टी एफ की हुक हो जाएगी, सम सॉर्ट ऑफ, यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन में यू एन एन और मिनिस्ट्री का एम एन, इसके नीचे पैरेलल टिक दीजिए, मिनिस्ट्री का एम कैपिटल होगा, यूनियन का भी यू कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट इज रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री, नाउ रिहैबिलिटेशन इन्होंने किया है आर एच टेशन मिनिस्ट्री, दिस इज रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री, आप चाहें तो रिहैबिलिटेशन ऐसे अडॉप्ट कर सकते हैं, दिस इज रिहैबिलिटेशन फॉर मी, रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री, हु हैव टू बी, हु हैव टू बी, ब्रिंग अबाउट, दिस इज ब्रिंग अबाउट, और ब्रिंग आउट हो तो दिस इज ब्रिंग आउट, आउ यहां नहीं लग पाएगा, आउ इसके साथ लगा दीजिए, दिस इज ब्रिंग आउट, दूर से क्लियर पता लगेगा आपको, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अबाउट। दैट्स ऑल फॉर फ्रेजेस, अब हम वर्ड्स लेंगे। ओके, अब वर्ड्स देखिए आप, पाकिस्तान, पी के एस टी एन, पेनल्टिक्स, मस्ट, मैग्नीट्यूड, एमट्यूड, प्रोग्राम्स, सिंपल, प्रोग्राम्स, अंडरटेकन, अंडर एंड हाफ, अंडरटेकन, स्ट्राइक्स, एस टी आर के एस, स्ट्राइक्स, अबव द लाइन, ब्रोशर्स, दिस इज ब्रो, एस एच आर एस, ब्रोशर्स, पब्लिकेशंस, पब्लिक, पी बी केशंस, पब्लिशंस, पब्लिकेशंस। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्ट्राडिक्शंस में ये टी आर डी आएगा, छोटा टी आर डी, जैसे ट्रेड होता है, ट्रेड इज ऑन द लाइन, कॉन्ट्राडिक्शंस, इसको अगर हम कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्योंकि इसको हाफ करेंगे तब, कॉन्ट्राडिक्शंस, इन रिगार्ड टू द रिहैबिलिटेटेड, रिहैबिलिटेटेड इन्होंने ऐसे कर रखा है, आप चाहें तो रिहैबिलिटेटेड ऐसे कर सकते हैं और रिहैबिलिटेशन ऐसे कर सकते हैं, इट विल टेक लेस टाइम, यू कैन अडॉप्ट दिस। पैरिटी, दिस इज पैरिटी, देन इज बेविल्डरिंग, बी डबल एल, बेविल्डरिंग, दिस इज बेविल्डरिंग। दैट्स ऑल फॉर वर्ड्स ऑल्सो, थैंक यू।